दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल हेल्दी हेल्थ फॉर एवर पे। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ ऐसा एक वीडियो जिसमें आपके इस सवाल का जवाब मिलेगा कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण क्या है। हम ये तो बातें करते हैं कि भाई ये खाने से, वो ना खाने से, इन सब चीजों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन ये किस तरीके से आपकी बॉडी में जाके इफेक्ट करती हैं चीजें जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आई एम वेरी श्योर अगर आपने ये समझ लिया तो डेफिनेटली आप अपनी डाइटरी हैबिट्स को सुधार लेंगे। तो देखिए जो कारण है, कारण तो बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा कारण भी आज के समय में आपकी डाइटरी हैबिट्स हैं, आपकी खाने पीने की आदतें जो है वो ब्लड प्रेशर के बढ़ने का कारण होती है। दूसरा आपका जो लाइफ स्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आप चलते कम है, बैठने का काम ज्यादा है, एक्सरसाइज करते नहीं है, बॉडी एक्टिविटी होती नहीं है, ये दूसरा बड़ा बड़ा कारण है। और तीसरा जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, स्मोकर जो है उनको भी रिस्क बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। कुछ चीजें हेरिडेटरी भी होती हैं, फैमिली से हिस्ट्री में आती हैं बातें, ये भी एक कारण होता है। लेकिन जो बड़ा कारण है वो आपकी डाइटरी हैबिट्स और लाइफ स्टाइल है। अब डाइटरी हैबिट्स कैसे आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, तो देखिए हमने सुना होगा कि नहीं जी बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड्स, फैटी फूड्स खाने से, बाहर का फूड खाने से, प्रोसेस्ड फूड खाने से, इन सब चीजों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये बिल्कुल सच्चाई है, यही वो चीजें हैं इनको आप तीन ग्रुप में बांट सकते हैं। तो पहला ग्रुप वो है ऐसे भोजन जिनके अंदर नमक की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, जिनके अंदर नमक एक्सेसिव मात्रा में होता है। आप बाजार का कोई भी भोजन उठा लीजिए, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, समोसे, पकौड़े, प्रोसेस्ड फूड, डब्बाबंद फूड, सब में नमक की ज्यादा मात्रा होती है। उसके पीछे कारण भी होता है क्योंकि नमक से जो है खाना जल्दी खराब नहीं होता, एक तो यह है। दूसरा होता है आपके जो ट्रांस फैट्स होते हैं, जो सेचुरेटेड फैट्स होते हैं उनमें, तो आप देखेंगे आपके जितने भी तले भोजन है सब में तो ये फैट्स ही इस्तेमाल होते हैं। कोई भी भोजन आप ले लीजिए, कढ़ाई में डल के आप फ्राइड जितने भी भोजन है और साथ में जो है वो एनिमल फैट, ये कल्प्रिट होते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ाने के। और तीसरा होता है आपके मीठी चीजें, ज्यादा ब्लड शुगर जो है वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो अगर आप ज्यादा चॉकलेट खाएंगे, आइसक्रीम ज्यादा खाएंगे, ऐसा भोजन खाएंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, डेजर्ट्स वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं खाने के बाद, तो तीसरा कारण ये होता है। अब ये तीनों चीजें कैसे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं तो आप एक एक करके समझेंगे। पहले हम नमक की बात कर लेते हैं। तो देखिए नमक जैसी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, कम हो जाएगा नमक तब भी नुकसानदेह है, जान भी जा सकती है, ज्यादा हो जाएगा तब भी नुकसानदेह है। तो बैलेंस रखना है, नेचर ने हमें यही कहा कि हमें हर एक चीज का बैलेंस रखना है, न कम न ज्यादा। अब अगर आप लगातार ज्यादा ऐसे भोजन करते हैं जिनके अंदर नमक की मात्रा ज्यादा है, एक्सेसिव नमक जब आपके शरीर में होने लगता है तो आपकी खून के अंदर जो है वो सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि नमक का जो अंग्रेजी में नाम है वो सोडियम क्लोराइड है। जब ये अंदर पचता है तो सोडियम आपके खून में एब्जॉर्ब हो जाता है, ये पहला स्टेप है। अब जैसे ही आपके खून के अंदर नमक बढ़ने लगता है तो ये जो नमक है ना वो अट्रैक्ट करता है पानी को, ये दूसरा स्टेप होता है। अब जब नमक ने पानी को अट्रैक्ट किया तो पानी आपके शरीर में रिटेन होने लगा, रिटेंशन होने लगता है आपके शरीर के अंदर पानी का। इसलिए आपने देखा होगा कि किडनी के मरीजों को, हाई ब्लड प्रेशर के या हार्ट के मरीजों को पैरों पे और फेस पे सूजन आने लगती है, वो वाटर रिटेंशन होता है। तो अब क्योंकि जब वाटर रिटेंशन हो गया तो फिर आपका जो है ना वो ऑलरेडी वॉल्यूम बढ़ जाएगा ब्लड का, पानी ज्यादा हो गया तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर और बढ़ने लगता है। अब जब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तो हमारा शरीर जो है वो ये कोशिश करता है कि चलो इनको मेंटेन करके रखा जाए, नमक को भी और पानी को मेंटेन करके रखा जाए, तो वो हमारे कुछ सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अब ये सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम होता है जो चौथा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको RAAS रास के नाम से आप जान सकते हैं, जिसको कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। बट जो ये रेनिन एंजियोटेंसिन है इसकी वजह से जो हमारी आर्टरीज है सिकुड़ने लगती है। अब जब आर्टरीज सिकुड़ती हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ता है। और अगर फिर हम कंटिन्यू सॉल्ट खाते रहे, अभी भी हमने सॉल्ट खाना कम नहीं किया है, तो ये ओवर एक्टिव हो जाता है और एक कंडीशन ऐसी आने लगती है जब नमक ज्यादा रहता है तो आपकी किडनी फेल होने लगती है, किडनी ठीक से काम नहीं करते। और एक बार अगर उस सिचुएशन पर पहुंच गए तो फिर आपका ब्लड प्रेशर वापिस आना नॉर्मल होने की तरफ बड़ा मुश्किल होता है, फिर आपको दवाइयों के ऊपर ही रहना पड़ता है। एक तो हो गया नमक, दूसरी चीज होती है जो हमने ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट्स, एनिमल फैट की बात की, तली भुनी चीजें, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, प्रोसेस्ड फूड, इनकी हमने बात की, या एनिमल फैट की बात की, समोसे पकौड़े की बात की, इन सब में जो फैट है ये वाला फैट जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। अब जो ये बैड कोलेस्ट्रॉल है जब एक्सेस मात्रा में आपके खून में घूमने लगता है तो ये आपकी आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट होने लगते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट होता है तो जैसे जब आपकी आर्टरी का ल्यूमन पहले ये था, अब बीच में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो ये अभी पतला हो गया, ल्यूमन अगर पतला हो जाएगा तो और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा हार्ट को इस ब्लड को आगे पहुंचाने के लिए।
इस वजह से आपको ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये आपका खतरा बढ़ा देता है, हार्ट अटैक का भी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है और ब्रेन में भी आपका रिस्क बढ़ा देता है स्ट्रोक का। अगर आप यहाँ पे स्मोकर है तो इस होने पर स्वागत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एंडोथेलियल जो है आर्टरी की जो अंदर की लेयर होती है वहां पर इंजरीज होने लगती है, तो वहां पर क्लोटिंग का भी खतरा बढ़ जाता है, तो ये एक डबल एज सोर्ड हो जाता है। इसके साथ साथ क्योंकि जो आप फैट जब ज्यादा खाते हैं, ये तो कोलेस्ट्रॉल तो बना ही रहा था, ये मोटापा भी करता है, तो आपको फैटी लीवर डिजीज होने का खतरा बनेगा। उसके साथ साथ अगर आप मोटापे की तरफ चले जाते हैं, आपको ओबेसिटी हो जाती है, तो अगर देखिए ज्यादा आपका भार होगा तो आपके हार्ट को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा ब्लड को, खून को शरीर के आखिरी हिस्से तक पहुंचाने के लिए। और साथ ही साथ जब लगातार फैट बढ़ा रहता है, ओबेसिटी होने लगती है, तो जो इंसुलिन है उसकी रेसिस्टेंस बढ़ जाती है। देखिए आप डायबिटिक नहीं है, लेकिन अगर इंसुलिन की रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी तो आपको डायबिटिक होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। जब डायबिटिक होने का खतरा बढ़ेगा तो इंसुलिन अपने आप में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, उधर डायबिटीज होगा तो वो दो तरीके से आपको मारेगा, तो ये फिर आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। तीसरा, इसी तरीके से अगर जो तीसरी हमने बात की थी, मीठी चीजें, एक्सेसिव भोजन, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाना, अब आप एक्सरसाइज करते नहीं है, कैलोरीज बर्न होती नहीं है, तो ये तो इकट्ठा होता रहता है आपके शरीर में, कुछ फैट के तौर पर कुछ कैलोरीज के तौर पर, तो अगर आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, मीठा आप ज्यादा खाते हैं, आइसक्रीम चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, वजन आपका ज्यादा है, तो फिर जो हमने पहले ऊपर बात की, एक तो ब्लड शुगर की बीमारी होने का खतरा आपको बढ़ेगा, डायबिटीज होगा तो किडनी खराब होंगे, ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ेगा आपका। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो आपके भोजन से जो है आपको इन तीन चीजों को कम करना है, खत्म नहीं करना है, कम करना है, जरूरी है, तीनों चीजें जरूरी है, लेकिन बैलेंस में जरूरी है। तो आप बैलेंस डाइट लें, कोशिश करें कि इनको अपना एलिमिनेट जितना करना है अपने भोजन से, शाक सब्जी लें, अनप्रोसेस्ड फूड खाएं, सीधे नेचर से जो आते हैं, आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, हरी सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, सी फूड्स खा सकते हैं, प्रोटीन भी आपको कहीं से मिलेगा, दालें खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, तो ये सारी चीजें खाएं, रेड मीट बिल्कुल ना खाएं, स्मोकिंग करना बिल्कुल छोड़ दें, अल्कोहल बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, तो इस तरीके से आप अपने आप को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाएंगे, हार्ट को हेल्दी रख पाएंगे, किडनीज को सेव कर पाएंगे, डायबिटीज को होने से रोक लेंगे, इस तरीके जो सिंड्रोम ऑफ डिजीज डेवलप होता है उसको आप बचा लेंगे। और साथ ही साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी जरूर कर लें, 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी भरा रहा होगा, और आई एम श्योर मैंने आपको वो बात बताई होगी जो शायद आपको किसी को से पता ना लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा लोगों को शेयर कर लें, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें मुझे, और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सुनने को मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।